हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मशरूम खा खा करके बोर हो गए हैं तो आज हम आपको नई ट्रिक से मशरूम बनाना दिखाएंगे। वो भी चीज मशरूम आपको जो कि अच्छे अच्छे होटलों में स्टार्टर के रूप में मिलता है। यदि आप सब्जी के रूप में खाना चाहते हैं तब भी आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसमें सामान पड़ेगा, हम आपको सब दिखाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी बनता है। एक बार आप जब बना के खाएंगे तभी इसके टेस्ट का आपको पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम चलते हैं आपको किचन में बना करके दिखाते हैं। क्या आपने कभी चीज मशरूम खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। बहुत टेस्टी, लगभग ये होटल्स वगैरह में स्टार्टर में भी मिलते हैं, तो ये काफी टेस्टी लगते हैं। आप चाहे बाद में खाएं, सब्जी के साथ तरीके से खाएं। तो जैसे हम बनाएंगे आपको दिखाते हैं। ये हमने मशरूम धुल लिया है, इनको हमने रगड़ के साफ नहीं किया है। और इसको इसलिए नहीं साफ किया कि इसको हम बॉइल्ड करेंगे, जैसे ही इसको उबालेंगे ये अपने आप ही साफ हो जाएगा। तो हम इसको उबालते हैं। ये देखिए हमारा पानी खोल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद में ये सारे मशरूम डाल देंगे, जिससे कि सब अच्छे से उबल जाए। अब हम इनको 6 से 7 मिनट तक अच्छे से खौला लेंगे, या तो आप ढक के उबाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बॉइल्ड हो जाने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अच्छे से हमने खौला लिया है, 6-7 मिनट हो गए इनको खौलते हुए। पानी का कितना कलर चेंज हो गया है। तो ये हमारे मशरूम भी साफ हो गए हैं। इसे प्लेट में निकाल लेंगे इनको और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद में आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। आप सब मशरूम को इस तरह से उलट के रख दीजिए, जिससे जो इसके अंदर पानी गया है थोड़ा बहुत वो निकल जाएगा। लगभग टच होने वाले ठंडे हो गए हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, जो इसका ये पार्ट है ऐसे घुमाते हुए आप इसको निकाल दीजिए धीरे से। आपका मशरूम फटना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपको निकालना है, थोड़ा धीरे से निकालिएगा, जिससे कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। मशरूम फट जाएगा तो फिर बनाने में समस्या होगी। पहले इसको निकाल के आप सब रख लीजिए पीसेस, थोड़ा सा राउंड करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ये देखिए सबको हमने अलग कर दिया है। अब आप इस तरीके से थोड़ा सा इनको दबा करके इसका पानी आपको निकालना है और फिर इसको इस तरीके से ठीक से रख देना है। ये देखिए पानी निकल रहा है इसका, इसे रख दीजिए। सब पानी निकालना है, सब में से निकालना है। इनकी जो डंडियां हमने अलग की है इनसे भी निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको हमने फिट कर लिया है, इसका भी पानी निकाल दिया है। या तो आप इसको चाकू से बारीक बारीक कट कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से चॉपर में डाल करके इसको क्रश कर लीजिए। ये देखिए बारीक बारीक हमने क्रश कर लिया है इसको। आप कैसे बनाएंगे हम दिखाते हैं। कोई भी पैन ले लेंगे और उसमें जो है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा आपको डालना है। अभी हम लहसुन इसमें डाल देंगे, कट किया हुआ, बारीक कट किया हुआ लहसुन है, इसको डाल देंगे। अब इस लहसुन को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसको हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें ये जो मशरूम हमने क्रश किया था उसको डाल देंगे। इसकी डंठल थी ये मशरूम की, और मशरूम का ऊपर का पार्ट तो हमने सब अलग निकाल के रख लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। पहले इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल दीजिए, इसमें बहुत नमक की जरूरत नहीं है। और जो पड़ेगा भी हम उसको दिखाएंगे आपको आगे आगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है, कभी भी आप बना लीजिए। और कोई चेंज करना चाहते हैं आप तो अपने आइडिया से चेंज कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी हो आप अपने आइडिया से उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसका पानी खत्म हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा चिली फ्लेक्स। और इसमें थोड़ा सा हम ऑरेगानो डालेंगे। ये कुछ फ्लेवर ऐसे हैं जो अपना अलग टेस्ट देते हैं। अगर आप दूसरी चीज डालना चाहेंगे तो बस टेस्ट चेंज हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मोजरेला चीज जो है इसको हम इसमें घिस देंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। कर रखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। और आप लोग प्लीज अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के ग्रुप में हमारा लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा।
देखिए अच्छे से हमने घिस लिया है, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसको भर लिया है, बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं है तो आप उस जगह पर प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन आप दूध की मलाई डायरेक्ट दूध से निकाल करके नहीं लेंगे, उसको आप छन्नी पर रख दीजिए, उसका सारा दूध निकल जाने दीजिए और मलाई को एकदम सूख जाने दीजिए, तब आप उसमें मिक्स कीजिएगा। जैसे अगर आपने ऐसा नहीं किया, दूध में मलाई अगर जरा सी भी गीली रह गई तो फिर आपका भरने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसको आप ध्यान रखें। तो अब बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। अभी देख सकते हैं पैन में हमारे थोड़ा सा ऑयल है, बस इसी में थोड़ा सा 5 मिनट का प्रोसेस करना है। सारे हम मशरूम इसमें लगा देंगे, लगाने के बाद में इसको ढक देंगे जिससे कि हमारा चीज जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए। तो इसको इस तरीके से रखना और गैस को धीमा करते हुए इसको आप ढक दीजिए। ये थोड़ा सा सामान हमने रेडी किया है, आप चाहें तो इसी स्टेज पर उसको रेडी करके खा सकते हैं पकने के बाद में। और उसके बाद में दूसरा प्रोसेस ये है कि हमने थोड़ी सी गाजर कद्दूकस की है जिससे इसका बारीक लच्छा है, और छोटा छोटा प्याज कट किया, छोटा छोटा शिमला मिर्च कट किया है, और ये हमने जो हम लोग खाना खाते हैं उसका आधा चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया इसमें, और जो हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो इसको हमने इसे घोल लिया है, अभी इतनी तैयारी हमने कर ली है, तो पहले वो रेडी हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं टेस्टी और डिलीशियस मशरूम की रेसिपी। देखते हैं इसको, अब देखिए इसमें जो मोज़रेला चीज डाली थी वो सब अच्छे से रेडी हो गई है और फूल गए हैं ये, तो इनको सबको हम धीरे धीरे सब प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे सब निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं, बैक साइड भी इनका जला नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये आप चाहे तो इस समय से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हम अभी आगे और आपको दिखाएंगे। इसी पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लीजिए, बस 1 चम्मच, क्योंकि 1 चम्मच अभी इसी में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं तेल लगता है, थोड़ा थोड़ा ही आपको डालना है क्योंकि मशरूम को ऑयल को खींचता तो है नहीं। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाए, ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, अब ये दोनों चीजें इसमें डाल देंगे हम। अब इनको भी हम ऐसे ही सॉफ्ट करेंगे, इनमें कच्चापन नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए क्योंकि नमक सभी चीज में होता है, टमाटो सॉस चिली सॉस सब किसी चीज में, तो नमक तेज होने के चांसेस रहते हैं, तो आप बिल्कुल जरा सा डाल दीजिए जिससे कि ये सब्जियां पानी रिलीज कर दे और अच्छे से पक जाए। देखते हैं इसको, सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ सॉस वगैरह डालेंगे, आप देखिए ये हम 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और करीब 2 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके देखते हैं इसका कलर। अब हम इसमें जो घोल हमने तैयार किया था अरारोट का, कॉर्नफ्लोर का, आप दोनों में से जो भी आपके पास हो, अरारोट या कॉर्नफ्लोर, आप दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हैं, और आप ना चाहें तो इसको ना भी डालें तब भी आपको बन जाएगी रेसिपी। अभी इसकी ग्रेवी, थोड़ा सा पानी और चाहिए इसको, थोड़ा सा पानी और डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से आपको नहीं डालना है। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा खौला देना है। अब गैस की फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें मेयोनीज डाल दीजिए, आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, ये थोड़ा टेस्ट ज्यादा बढ़ा देती है।
हमारा बन करके इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। वैसे आपको सब इसमें रख देना है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसी में आपको मिक्स करके जिसको सर्व करना है आपको मिक्स करके देना है। चीज मशरूम बन करके रेडी हो गया है, एक अच्छे खासे होटल का स्टार्टर है ये। तो इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप इसके ऊपर भी ग्रेवी डाल सकते हैं पर लुक चला जाएगा, इसीलिए हमने ऊपर से नहीं डाली है। फिर आप सर्व करेंगी तो इसका लुक नहीं समझ में आएगा, तो आपको ऐसे ही देना है सभी को। ये अमेजिंग टेस्टी हमारा मशरूम तैयार हो गया है, बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी है। एक बार आप बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा कि ये कैसे बनता है और कैसा लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये देखिए, एक बहुत सुंदर लगता है चिली फ्लेक्स इस पर। और थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक बार आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। यदि अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। दिखा रहे हैं, सॉफ्ट भी है और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कड़ा बना हुआ है। ये बहुत इजीली बनता है, बहुत सरल है, ऐसा भी नहीं कि ये सरल नहीं है। तो आप इसको बनाइए और फिर अपने बच्चों के साथ में खाइए। थैंक यू सो मच।